हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं LIC के बारे में। जी हाँ, LIC के क्वार्टर फोर के नंबर आ चुके हैं और यहाँ पे नंबर आपके सामने मैं डेफिनेटली प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे जो IPO में हिस्सेदारी लेकर के बैठे, मतलब कि IPO का जिसको अलॉटमेंट हुआ है, उसको यहाँ पे क्या करना चाहिए रिजल्ट के बाद, और कौन से लेवल पे सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, और ऊपर की जर्नी कहाँ तक हो सकती है रिजल्ट के बाद, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। सबसे पहले LIC की आज क्लोजिंग किस तरह की देखने को मिली, वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपके सामने है, और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इसकी क्लोजिंग आज 2% की तेजी के साथ देखने को मिली। आप देख सकते हो कि आप 836 के आसपास क्लोजिंग है, 2% की तेजी यहाँ पे हमें इसमें देखने को मिली है। तो पहले तो जो की हाईलाइट्स है, मतलब कि रिजल्ट किस तरह का देखने को मिला है, वही आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। LIC क्वार्टर फोर रिजल्ट, नेट प्रॉफिट ड्रॉप 18% टू 2372 करोड़। मतलब कि नेट प्रॉफिट में 18% की गिरावट दिखाई दी है। जी हाँ, लॉस नहीं आया है दोस्तों, आपको पहले समझना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को अगर जब यहाँ पे नेट प्रॉफिट ड्रॉप दिखाई देता है तो उसका मतलब वो जो नए लोग हैं उनको लॉस लगता है। लॉस बिल्कुल नहीं आया है, प्रॉफिट ही आया है। पर प्रॉफिट में जो क्वार्टर क्वार्टर है वो 2372 करोड़ आया है, और क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे 18% की गिरावट आई है। और यहाँ पे इसने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, 1.5 रुपये का। जी हाँ, 1.5 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। आगे और बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि जो स्टैंडलोन नेट प्रॉफिट आया है 2372 करोड़ के आसपास आया है, जो कि यहाँ पे एक साल पहले उसने 2893 करोड़ के आसपास का ये प्रॉफिट पोस्ट किया था, तो लगभग लगभग 18% की गिरावट नजर आ रही है। LIC के नेट प्रीमियम जैसे कि मैंने बताया 1.44 लाख करोड़ आया है, जो कि पिछले साल 1.22 लाख करोड़ था। इसके अलावा बात करूँ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी 17% की गिरावट आई है। 2409 करोड़ आया है, जो कि पिछले साल की बात करें तो 2917 करोड़ के आसपास का दिखाई दिया था। यहाँ पे बात करूँ डिविडेंड की तो 1.5 रुपये का डिविडेंड है, फेस वैल्यू 10 की है, जो कि यहाँ पे शेयर होल्डर की अप्रूवल बाकी है ऐसा बोला गया है। तो दोस्तों, इस तरह के मिले जुले रिजल्ट यहाँ पे LIC के दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट यहाँ पे रिजल्ट था LIC का IPO आने के बाद। IPO की प्राइस थी 949 रुपये के आसपास, 902 से 949 रुपये, और यहाँ पे डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था, वो तो आप सबको पता ही होगा, जो कि रिसेंटली बात है। चार्ट पे ले जाने से पहले कारोबार की सिचुएशन आपके सामने बताना चाहूँगा। 836 पे क्लोजिंग है LIC की, प्रीवियस क्लोजिंग 821, ओपन 830, हाई यहाँ पे 842 के आसपास का, लो 825 के आसपास का, और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 837 के आसपास का। जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो आपके सामने है, 31,33,000 शेयर की, जिसमें से 10,72,000 शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 34% के आसपास की LIC में नज़र आ रही है, जो कि डिलीवरी परसेंटेज मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आते हैं। चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और नेक्स्ट लेवल टारगेट क्या हो सकते हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, LIC के चार्ट पे लेके आया हूँ, यहाँ पे 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, मतलब कि 120 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखें कि जो लिस्टिंग हुई थी उसके बाद लगातार गिरावट की सिचुएशन थी, और लगभग लगभग 780 के आसपास का लो बनाया, वहाँ पे 2 बार ए लेवल को टच किया, और वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई दे रही है। पर मुझे लगता है अभी जो 835 के आसपास क्लोजिंग हुई है, 840 से लेके 850 का जोन एक रेजिस्टेंस जोन है, तो कल इसके ऊपर खुलता है तो पॉजिटिव माहौल बिल्कुल होना चाहिए, वरना आप इस लेवल के ऊपर जाने की वेट करिए। 850 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दे तो ही LIC में अभी लॉन्ग पोजीशन बनानी है, मैं ये पहले बता दूं आपको। उसके बाद 875 और 910 के टारगेट ऊपर की तरफ रहेंगे, परंतु ये जो LIC है वो 820-825 का जोन है, वो संभालना चाहिए। जी, 820 के ऊपर जब तक बना है तब तक मुझे लगता है यहाँ पे पॉजिटिविटी बनी रह सकती है। 820 के नीचे यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले एग्जिट कर सकते हैं, और यहाँ पे सेफ प्लेयर जैसे मैंने बताया 850 के ऊपर सस्टेन होगा तभी यहाँ पे फ्रेश पोजीशन इसमें बनाइए। RSI का लेवल है 52 का, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो नज़र आ रहा है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि LIC को आप स्टडी करिए, और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। जिनके पास IPO में होल्डिंग पड़ी है, IPO की होल्डिंग पड़ी है, वो डेफिनेटली होल्ड करिए। फ्रेश पोजीशन बनाना मुझे लगता है अभी ठीक नहीं है। इसके अलावा आप और भी अच्छे ऑप्शन देख सकते हो, जैसे कि HDFC लाइफ, ICICI प्रो और SBI लाइफ, इसके अच्छे कॉम्पिटिटर है, तो मैं आई विल गो फॉर प्राइवेट इंश्योरेंस रेदर देन LIC। तो दोस्तों, फाइनल डिसीजन आपके ऊपर है, आपको क्या करना है वो आप खुद तय कीजिए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।